भाई ये मेरे को यहाँ पे ना सारे छोड़ के चले गए हैं। मुझे अब डर लग रहा है, ये अपना फोन यहाँ छोड़ के चला गए तो इनने, तो भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से अभी। तो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल देखा वो पता चल ही गया होगा, तो हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस पैकिंग हो चुकी है, सब कुछ सेट है, बस चाय पीता फटाफट से निकलते हैं। कौन कौन जा रहे हैं रास्ते में सबसे मिलवाता हूँ अभी आपको। तो ज्यादा कैब ना करें क्योंकि ट्रैफिक का टाइम होगा, मेट्रो पे जाएंगे, बट मेट्रो पे आगे तो लग रहा है उससे ज्यादा टाइम मेट्रो पे लग जाएगा। तो सब इसलिए ऑटो करा है, ऑटो से चल रहे हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो एक बंदे का और वेट कर रहा है, अभी वो आता तो उससे भी मिलवाता हूँ। और कुछ हाल यहाँ के ऐसे हैं, लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए, वो भी इन्होंने रोक रखी है, पता नहीं किस खुशी में क्या दिक्कत है, बाहर वहाँ तक लाइन लगी है। रेस बेचारे वाले वो कैसे आ रहा है, बोले वो रेंगता हुआ। फटाफट आ जाओ, बहुत लेट चल रहे हैं अपने समय से, बहुत लेट। बेटा ये देखियो लाइन ही रोक रखी है उसने अंदर जाने के लिए। हाँ चलो चलो चलो, अरे चल अंदर चल, इसको रखना पड़ेगा अंदर भी, पीछे तो वो सामान है यार। तो वी आर रीच पुरानी दिल्ली, बाकी के बंदे पता नहीं कौन कहाँ पहुंचे, अभी अंदर जाके देखते हैं। अभी तक बाकी के तीन बंदे मिले नहीं हमें, पता नहीं कहाँ पे खड़े हैं। खड़े हम भी पांच प्लेटफॉर्म पे, वो भी पांच प्लेटफॉर्म पे, पर मिल नहीं रहे। और ये हमारी मासी की लड़का, पहले मास्क में आपने देखा नहीं होगा। तो सारे सेटल हो चुके हैं, तो अब हमारे साथ जा कौन कौन रहा है। तान्या शक्ल तो दिखा दे, फिर घरवालों को दिखेगा कैसे। हेलो, बाकी इनसे तो मिल ही चुके हो तू पहले, मासी का लड़का मेरी बीवी जो कभी हाय नहीं बोलती। पुनीत उसको ले आ, तो उसको लाया नहीं, सही टाइम आया सबके सामने। अभी ऐसे ही होता है, दो कपल में ऐसे ही होता है, लग रहा है ना तेरे को। हमें तो पता नहीं कब से लग रहा है, अगर कोई है तो वो कमेंट करो नीचे कि मैं ही हूँ वो। और अच्छा सिंगल है ना तू, मैं तेरे रिश्तों के लिए नीचे कमेंट में देख लूंगा। इसको कहते हैं जागे। एक और वाले बेचारा जो भी पहली बार खेलता उसके साथ यही होता है, समझ नहीं आ रहा कितने बंदे इकट्ठे हो गए। ये प्रो बंदे, ताने ने खेला हुआ पहले तो थोड़ा बहुत सही चल रही है मेरा। भाई कितना देर होगा ना, चेक चेक आ गेम में जीता वो ना, ये भाई साहब जिनको आती नहीं थी, समझ नहीं आ रही थी। सेकंड कौन आया ये, अरे सेकंड आई है ये, सेकंड इसके आते ही पति देव जी ने इनके खत्म, हार मान ली, कह रहे गेम ही खत्म करो। पर उस सड़क में एक मोड़ आया, बीस मिनट का हॉल्ट। सो 12:30 बजे अभी और हम पहुंचे हैं अम्बाला। तो सुनने में तो यही आया कि 20 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, तो इसलिए चाय वगैरह देख रहे हैं, बढ़िया मिल जाए। अच्छा मशीन वाली है क्या ये, फिर तो ठीक ही होगी, ले लो यार। इस लड़के की चप्पल चोरी हो गया और चोरी है ना सामने ही है। अच्छा मैं हूँ क्या, और मेरी चप्पल इसने चोरी कर ली, तो यही पहले चेक कर पीजिए। इसे घी में गर्म करेंगे बेटा, इसको कौन खा रहा है, तू खा रहा है? नहीं जी, बस आ रहे थे भैया, सिंपल बनाओ।
जाओ क्या मैं ना खाता। डेढ़ बज गया और हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़, और यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे हॉल्ट है 50 मिनट का, इसलिए हमको लेट नहीं लगे थे, हमने सोचा था थोड़ा थोड़ा सो जाते, पर 50 मिनट का हॉल्ट है, चलो भाई नीचे उतरो कुछ ना कुछ तो करते हैं, स्टेशन पे फोटोज वगैरह खींचते हैं, थोड़ी देखते कोई अच्छी फोटो आती नहीं आती। चलो रिक्शा लग रहे मजे नहीं लगे, ये पता नहीं किससे रात को 2 बजे बात कर रहा है, इसी गर्लफ्रेंड है नहीं पर पता नहीं किससे बात कर रहा है, कहाँ छोड़ा है उसको और किससे बातें कर रहा था, मम्मा तो सो गई होगी इस टाइम। भाई ये मेरे को यहाँ पे ना सारे छोड़ के चले गए, मुझे अब डर लग रहा है ये अपना फोन यहाँ छोड़ के चला गया तो बिन्ने, तो भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब ये फ़ोन में देखेंगे तब इनको पता चलेगा कि मैं कहाँ गया हूँ, मैं इनको बताना नहीं चाहता मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है ओके बाय बाय। ना मेरे को कहीं ये दिख रहे आसपास यार, ये देखो पूरे मेट्रो स्टेशन पूरे रेलवे स्टेशन पे मुझे कहीं दिख नहीं रहे, मुझे डर लग रहा है, मेरा पर्स भी उसके अंदर रह गया था ट्रेन की, ट्रेन चली गई आगे, अब ये पता नहीं कहाँ गए हैं, मैं वेट कर रहा हूँ दूसरी ट्रेन का, देखते हैं बाकी। कैसा लगा मेरा मजाक? सो वी आर रीच कालका एंड अब दिक्कत ये है, दिक्कत क्या यार हमें पता ही था, तो अभी बज रहे हैं 3 और यहाँ से हमारी कालका टू शिमला वाली ट्रेन है 5:45, सो हमें 2.5 घंटा यहीं पर ही वेट करना है, तो और कोई ऑप्शन है नहीं, तो करते हैं देखते हैं 2.5 घंटे क्या टाइम पास करते हैं, अभी तक तो कुछ समझ आ नहीं रहा, छोटा सा स्टेशन है अभी, बाकी देखते हैं भाई बताएगा क्या करना है, जो अभी तो बाल ही बना रहे पहले पूरे बाल क्या बना रहे हैं, 3 बजे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमारी नेक्स्ट ट्रेन है 5:45 बता दिया, बस कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें आगे, 2.5 घंटे यहाँ पे टाइम पास होगा या नींद वैसे आ ही रही है, नींद भी आ रही है भूख भी लग रही है दोनों का, और क्या, और बैठे कुछ है नहीं यहाँ पे, बैठने का ही है, लेटने का होता तो मजा आ जाता, पूरी बैठने से बात करना चलान देख के आते ना, टॉय ट्रेन तो उसको बोल चलवा देना फिर खड़ी है, तो मैंने पहले पूछा उससे कि मतलब मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, कहता 25 बस, 25 इससे तेज तो सेकंड चलती, तो वो अगली ट्रेन है 5:45 की और वो पहुंचाएगी 10:30 हमें शिमला। बारे में ये बच्चों के नाम पे बड़ों को इस ट्रेन में घुमा रहे हैं, तो मजाक कर दिया यार इन्होंने, इस पे शिमला लेके जाएंगे, गलती से टायर टूर पंचर पंचर हो गया, कोयला खत्म हो गया, रास्ते में हटाई जाएंगे हम क्या करें। पगला तू भी नाच ले यार, कर अब तू कर अब तू कर अब तू कर नहीं अब तू कर वालों ने हमें पागल बना रखा है, 2 घंटे हो गए हमें इंतजार करते, ये चल नहीं रही है यहाँ पे, अब इनके फोन से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, तो एक खुद यहाँ सो रहे हैं, दूसरे भाई भी सो रहे हैं। Looking for a way out, I can't find my way now, I just need you by my side, lately I've been thinking baby.
फाइनली इंतजार खत्म हुआ और बस ट्रेन चलने का टाइम हो गया, तो यहाँ से निकलते हैं। आप दिखाते हैं आपको रास्ते में कालका टू शिमला के नज़ारे। अरे बिजली का बिल क्यों नहीं भरा? जगह का नाम है बड़ोग, बड़ौदा, बड़ोग नाम है इसका। यहाँ पे 10 मिनट के लिए रुकी है चाय नाश्ते के लिए, बट चाय नाश्ता हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं बिकॉज अभी भी 2 घंटे हैं, तो हो रहा है कि फटाफट से पहुंच जाए बस जैसे तैसे। तो हालत ऐसी हो चुकी है कि ये देखो इनका देखो लोगों को। So finally we reach Shimla. कितने घंटे लेट? आधा पौना घंटा लेट पहुंचे हैं, बट पहुंच गए। अब देखते हैं यहाँ से ऑटो मतलब कैब वगैरह करनी पड़ेगी, कितना टाइम लगता है पहुंचने में वहाँ पर होटल। सीधा होटल चल के मिलता हूँ बिकॉज फोन में बैटरी भी खत्म हो रही है, 3% है बस। फाइनली होटल पहुंच चुके हैं, जस्ट अभी मुंह हाथ धोके फ्रेशन अप हुए, फटाफट पहले कुछ खा लेते उसके बाद सोएंगे बिकॉज ट्रेन में तो सो नहीं पाया भाई मैं, सही बताऊं तो। ये मैडम तो फिर भी थोड़ा बहुत सो गई, मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया, तो आंखें हो रही है बंद। एक कप चाय और कुछ खाने में देखता हूँ, वैसे मेरा मन है नहीं बिल्कुल भी, एग्जॉस्ट हो चुकी है बॉडी इस टाइम पे जो, तो बाकी सब कहना खाना है तो चलो चलते हैं, कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे हम भी। सो खाना डन, अब सोते हैं बिकॉज अब आंखें हो रही है बंद। और इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो टाटा बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।